हेलो भाई, मैं हूँ अंकित। और भाई, आप मेरी ने लास्ट वीडियो देखी होगी। मैं यूके ट्रिप पे हूँ, हरिद्वार की तरफ, उत्तराखंड में। एक दो जगह और जाऊँगा। तो अभी लास्ट वीडियो देखी थी मैंने, यहाँ पे एंड की थी, तो यहीं से स्टार्ट करता हूँ। मुजफ्फरनगर हूँ मैं, यहाँ पे स्टे कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। चाय वाय पियेंगे, थोड़ा सा हल्का हो जाएंगे, क्योंकि थकान हो जाती है ना दिन में, क्योंकि मुजफ्फरनगर में बहुत जाम था। तो यहाँ से दिखा रहा है रास्ता, एक घंटा कुछ मिनट का, 1 घंटा 13 मिनट और 75 किलोमीटर है बस यहाँ से। ये मान लो घंटा ही लगेगा, तो डायरेक्ट वहीं पे मिलेंगे। तो वही मुजफ्फरनगर से चल चुके हैं, अब रास्ता बिल्कुल बढ़िया वाला मिलेगा आपको। 1 घंटा 7 मिनट दिखा रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है रास्ते में, 0 ट्रैफिक मिलेगा, कोई ब्रेकर नहीं। वो बस टोल आएंगे इस पे, मेरे ख्याल से 2 टोल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है टोल की। तो 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे हरिद्वार, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे। फिलहाल रास्ते को एंजॉय करते हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर वाला रास्ता बेकार है। अब देखना है, एवरेज भी बढ़ जाएगी यहाँ पे, 22 से नीचे आ चुकी थी। मैंने खड़ी गाड़ी में भी एसी चलाया है, तो देखते हैं अब टोल आएगा भी पहले यहाँ पे। तो वही अपनी जर्नी का फर्स्ट टोल आ गया है, देखो ये है 75 रुपये मेरे ख्याल से एक साइड का, उसके बाद आने जाने का होता होगा अलग से। तो रोड के मामले में टोल कुछ भी नहीं है। ओहो, इसमें तो बहुत ट्रैफिक है, अब कौन सी लाइन में लोग घुसाएं। लाइन नहीं है फिर उसके बाद, चल गया चल गया चल गई लाइन। टोल लगेगा, फास्टैग अपना एक्टिवेट है, अपने वहां पे तो आईडी दिखा देते हैं, यहाँ पे तो इसी में से करवाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ से हरिद्वार रह गया है 35 मिनट की दूरी पे, 11:48 पे पहुंचेंगे। 11:13 हुए हैं किलोमीटर का, अभी साइन बोर्ड आएगा वहाँ पे, देखते हैं कितने किलोमीटर बचा है। बाकी रोड बढ़िया है ये, अभी टोल भी आना है एक और, ये लिखा हुआ यहाँ से हरिद्वार, किलोमीटर नहीं लिखे हुए, लक्सर उधर है, रुड़की इधर है, साइन बोर्ड है खाली, किलोमीटर नहीं लिखे हुए। किलोमीटर भी होंगे इतने, 30-35 किलोमीटर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये देखो बाइक वाले रुकवा रखे थे पुलिस ने, जो बाइक से व्लॉगिंग करते हैं, ट्रैवल व्लॉगिंग। तो वही ये आ गए हम वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी में। यहाँ से रह गया है 10 किलोमीटर 14 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। तो अभी पहले हरिद्वार ही रुकते हैं, उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना है। तो ये हम पहुँच जाएंगे 14 मिनट में, और पहुँच जाएंगे, 10 किलोमीटर है। टोल दोनों जा चुके हैं, रोड बढ़िया था बिल्कुल फर्स्ट क्लास, वो तो टाइम देख के ही पता चल रहा होगा। ये देखो भैया, हम हरिद्वार में एंटर करने वाले हैं बिल्कुल अर्की पौड़ी में। ये मेरे लेफ्ट में देखो पहाड़ी भी दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े, बारिश के टाइम बढ़िया मजा आता है। लेकिन यहाँ पे ये बात तो मैंने देख ली, मैं दोनों बार लास्ट में बारिश के टाइम पे आया था जब बारिश हो रही थी, तो आज इतना मज़ा नहीं आया आने का, यहाँ पे बारिश में मज़ा आया अलग से। देखो भाई, मेरे लेफ्ट साइड में मनसा देवी का मंदिर दिख रहा है रेड कलर में, कैमरे में दिख रहा हो तो क्लियर दिख रहा है। और मेरे राइट साइड में है चंडी देवी का मंदिर, राइट साइड में वहाँ पे चंडी देवी का मंदिर है, लेफ्ट साइड में मनसा देवी का मंदिर है। तो अभी हम जा रहे हैं अर्की पौड़ी पे, तो वहीं पे पार्किंग करेंगे गाड़ी को। तो वही गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया मैंने, यहाँ पे पार्किंग दिया, आज गलत पार्किंग में फंस गया, दूसरी जगह है। तो अभी वहाँ जाना पड़ेगा घाट पे नहाने के लिए, तो अभी चलते हैं यहाँ से।